हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो टिक्स से रिलेटेड है। टिक्स का कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या टिक्स, अगर टिक्स बॉडी पे पाए जा रहे हैं तो इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपको आज टिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी जाएंगी और साथ में इन किल्ली पिस्सू और टिक्स का सटीक और सही इलाज बताएं। तो सबसे पहले टिक्स की वजह से क्या समस्याएं आती हैं जानवर जो को? ये टिक्स रहते हैं इनके कारण अगर एनिमल दूध देता है, अगर दुधारू एनिमल है तो उसका सबसे पहला प्रभाव ये टिक्स का रहता है कि ये इसका दूध कम कर देता है। दूसरा प्रभाव जो रहता है वो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो एनिमल रहता है उसके कंटिन्यूसली ब्लड को सक किया जाता है इन टिक्स के द्वारा। तो जब ब्लड को सक किया जाएगा तो उसमें एनेमिक कंडीशन बनती है। अब दूसरी कंडीशन एनीमिया हो गई। तीसरी कंडीशन जो रहती है एनीमिया के चलते क्या रहता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो पार्ट रहता है वो आयरन रहता है। अब आयरन की जब डिफिशियंसी होती है तो उसके चलते एनिमल कई बार रिपीट कर जाता है, रिपीट ब्रीडिंग के केसेस बन जाते हैं। तो टिक्स का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चौथी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ये टिक्स। जैसे कि आपने सुना होगा बबेसियोसिस होता है, थिलेरियोसिस रहता है, इसके अलावा ट्रिपेनोसोमियोसिस रहता है, इन सबको ट्रांसमिट करने का काम करता है ये टिक्स। तो टिक्स का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली होता क्या है कि ये टिक्स का जो पीरियड रहता है वो 30 मिनट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक ये एक एनिमल की बॉडी पर पाए जाते हैं। अब इनकी जो पॉपुलेशन रहती है वो स्प्रिंग और पतझड़ के टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दूसरा एक और इफ़ेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं कि अगर जब हम इनका इलाज करवाते हैं तो जो दवाई यूज़ करते हैं तो जो दवाई रहती है वो न्यूरोटॉक्सिक रहती है। जितनी भी एक्टोपैरासिटिसाइड्स रहती हैं वो न्यूरोटॉक्सिक रहती हैं। इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने ट्रीटमेंट के बाद न्यूरोटॉनिक्स, नर्वाइन टॉनिक्स को एड ऑन ज़रूर करना है। तो चलिए अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो यूज़ हुआ करता था वो कार्बामेट कंपाउंड यूज़ हुआ करते थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा साइपरमेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन थे। साइपरमेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन आते हैं, कॉलर्स आते हैं इनके। लेकिन दिक्कत इनमें बस इतनी होती है कि ये ज़्यादा दिनों तक एक्ट नहीं करते। ये जनरली जो इनकी परसिस्टेंसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो इसीलिए इनका यूज़ सही नहीं माना जाता है। इसके बाद में दूसरे जो ड्रग्स आते हैं वो अमित्राज, जिनको हम बात करते हैं, फॉर्मामाइड कंपाउंड्स रहते हैं। तो ये भी सेम इनकी दिक्कत है। ये क्या करते हैं कि 7 दिन तक तो मैनेज करते हैं, 7 दिन बाद वापस से टिक्स का रिलैप्स होना पॉसिबल है। अब अमित्राज जो है ये बहुत सारे नामों से आता है, रेड के नाम से आता है, टैक्टिक के नाम से आता है, वितराज के नाम से आता है। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम हैं, ब्रांड्स हैं। इसके अलावा जो अमित्राज है इसको आपको और भी कई जगह यूज़ नहीं करना होता है। जहाँ पे भी आपको वुंड दिख रहा है, जहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, या फिर ये जो दवा रहती है एक जहर की तरह रहती है, तो इसको जब लगाते हैं तो इसका कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी जो नाक और आँख रहती हैं उनसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एकदम टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ओनर्स जो लगाते हैं इसको, उनको भी विशेष ध्यान देना है कि वो प्रॉपर ग्लव्स पहन के ही इसको स्प्रे करें। अब कैसे यूज़ करना है इसको, तो अमित्राज को यूज़ करने का तरीका होता है, 1 लीटर पानी लेना है आपको, उसमें 2 ml अमित्राज का जो है आपको यूज़ करना है, मिक्स करना है अच्छे से और बॉडी पे लगा देना है। इसको खिली धूप में लगाएं, क्योंकि खिली धूप में लगाने के बाद ये जल्दी सूख जाएगा तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो एनिमल उसको लिक ना करे, तो इसलिए इसको धूप में करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया आपको कि 7 दिन बाद वापस रिलैप्स हो सकता है इस ट्रीटमेंट के बाद, तो हम और अच्छा ट्रीटमेंट जो रहता है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें स्पॉट ऑन प्रिपरेशंस रहती हैं। वो कंपनी क्लेम भी करती है कि ये जो स्पॉट ऑन प्रिपरेशंस हैं वो लंबे टाइम तक एनिमल को टिक्स से फ्री रखने का काम करती हैं। तो बहुत सारे आते हैं, ये फिप्रोनिल का आता है स्पॉट ऑन प्रिपरेशन, मॉक्सीडेक्टिन का आता है, इमिडाक्लोप्रिड का आता है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनको यूज़ करने का तरीका ये है कि इनको जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, रीढ़ की हड्डी जो रहती है, इस पे आपको स्पॉट्स बनाने पड़ते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 स्पॉट्स आप बना सकते हैं। अगर इनकी डोज की बात करें तो डोज इनका जो रहता है 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से पोर ऑन और स्पॉट ऑन प्रिपरेशंस का यूज़ करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी जो रहती है वो रहती है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स की। जी हाँ, इनमें आते हैं आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन। इनके यूज़ के बाद टिक्स का कंट्रोल आसानी से हो जाता है। तो आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन जो रहता है, इनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आइवरमेक्टिन से अच्छा डोरामेक्टिन है। डोरामेक्टिन चूंकि ये प्रेगनेंसी सेफ भी है और इसके अलावा IM भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए डोरामेक्टिन का आप यूज़ करें।
आप वीकली इंटरवल पे इसको रिपीट कर सकते हैं अगर टिक्स ज़्यादा हैं तो, नहीं तो आपको एक या दो शॉट के बाद एनिमल के सारे टिक्स ठीक हो जाते हैं। अब डोज रेट की बात करें तो इनका डोज रेट जो रहता है 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। आइवरमेक्टिन को आप सबकट ही देना है और डोरामेक्टिन को आप सबकट और IM दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन लगाने से पहले आपको एविल जरूर यूज़ करना है, क्योंकि जो एविल रहता है अगर आइवरमेक्टिन के कारण कोई भी एनाफाइलेक्सिस होती है तो एविल उसको मैनेज करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो रहती है कि भाई हमने सब कुछ ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी टिक्स का रिलैप्स होता है, तो टिक्स का जो रिलैप्स होता है उसको ख़त्म कर तभी किया जा सकता है जब सारे एनिमल्स को एक साथ, जितने भी रह रहे हैं उस एनिमल के साथ, सबको एक साथ आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन का इंजेक्शन लगे। और साथ ही में जहाँ भी आप एनिमल को बांधते हैं उस जगह पर आपको देखना है कहीं सांसें तो नहीं है, मतलब कि कहीं दरार वगैरह पड़ी रहती हैं, तो दरारों में ये जो टिक्स रहते हैं वहाँ पड़े रहते हैं। और जब आपके आपने जो यूज़ किया है ये आइवरमेक्टिन यूज़ किया है तो उसके कुछ दिन तक तो नहीं आएंगे, लेकिन बाद में वो उन्हीं क्रेवाइसिस से होते हुए वापस से एनिमल को अटैक करती हैं, तो उन दरारों में भी आपको अमित्राज के सॉल्यूशन से वॉश करना है। और आप चाहें तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने के बाद जो क्रेवाइसिस रहती हैं, जो भी दरारें बात की हैं, उनमें आप जो अमित्राज रहता है उससे वॉश करें तो आपको एनिमल को भविष्य में खतरा नहीं रहेगा।